अरे आप कौन हो बहन जी और यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? देखो पेरेंट्स को यहाँ अलाउड नहीं है। हेलो सर, सर एक पेरेंट जबरदस्ती प्रोजेक्शन रूम में घुस गई है, तो प्लीज आप यहाँ आइए। अरे आप रुकिए, हाथ ना लगाइए, देखिए सब उतर पुतर हो जाएगा, आप रुकिए। उतर पुतर होता है तो हो जान दो, आप अपने रूल अपने पास रखो। मिसेस खुराना, आप यहाँ कैसे आई? यू आर नॉट सपोज टू कम हियर। आप मेरी मदद करो, वो वीडियो, रिया और जोगी वाला वीडियो जो आपको आया था। वो आज रिया के परफॉर्मेंस के दौरान आदित्य सबके सामने दिखाने वाला है। हमें इसे रोकना होगा, आप मेरी मदद कर दो ना उसको ढूंढने में। प्लीज सर जी। आर यू श्योर? हाँ जी सर जी हाँ। ठीक है सर, इनके साथ ढूंढने में मदद करिए, बट रिमेम्बर वन थिंग मिसेस खुराना, अगर ये बात झूठ निकली और इसका असर दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस पर पड़ा तो मैं ये मानूंगा कि ये आपकी चाल है और इसके लिए मैं आपके बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। रिमेम्बर दिस। आप मेरा यकीन करो सर जी, ऐसी सीढ़ी है, प्लीज जरा ढूंढो, प्लीज ढूंढो। सर ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है, मैं सब जगह चेक कर चुका हूँ। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की सीडी है। अब एक बारी और चेक करो ना। अच्छा ठीक है, बता दो। मेरे और जस्सी के परफॉर्मेंस की सीडी है, क्या चक्कर है? बेमतलब में बवाल खड़ा कर दिया है मैडम ने, सब नॉर्मल है। नहीं 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 सर जी, कुछ नॉर्मल नहीं है, अब यकीन करो मेरा, बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है सर जी। हम इस आदित्य को रोकना होगा, वो कुछ प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहे हैं? सारे म्यूजिक और वीडियो इस रूम से कंट्रोल किए जाते हैं और यह सब कुछ नॉर्मल है। साफ पता चल गया मिसेस खुराना कि आप अपने बच्चों को एडवांटेज देने के लिए हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और इसके लिए मैं आपके बच्चों को डिस्क्वालीफाई करता हूँ। जसविंदर खुराना जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। टाइम हो गया। ओए ओए आबिद, मम्मा जी को देखा? हाँ यार, मम्मी मम्मी करती रहती है, ऐसा लगता है वो तुम्हारी पॉकेट में होंगी। ये मजाक करने का टाइम नहीं है, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखा था, यहीं कहीं थी पहले। मैंने भी यही कहीं देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सुन, दिखेगी तो बता देना। पक्का। कहाँ चली गई? मम्मा जी, मम्मा जी, मम्मा जी कहाँ चली गई? मम्मा जी। जस्सी क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रही हो? आंटी जी, मेरा परफॉर्मेंस मम्मा जी के साथ है और वो नहीं मिलेगी, मैं आउट हो जाऊंगी, पता नहीं कहाँ चली गई। जसविंदर खुराना एंड मिसेस सुरिंदर खुराना, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी ऑन स्टेज प्लीज। अगर कोई गड़बड़ है तो बताओ। वैसे जसविंदर का नाम अनाउंस हो चुका है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है रिया गुप्ता। इसके बीच में जितना भी वक्त मिले आप वो गड़बड़ ढूंढ लीजिए और अगर कोई बात निकली तो ठीक है, वरना रिजल्ट जो भी हो मैं आपके दोनों बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। देखो जी सर, जो जसविंदर खुराना की परफॉर्मेंस है ना, उसके साथ मैं उसकी जोड़ीदार हूँ, तो मेरा सारा वक्त तो स्टेज पे ही निकल जाना, फिर मैंने वो सीढ़ी कैसे ढूंढनी है? आप ही बताओ ना। ये आपका प्रॉब्लम है, जो भी प्रूफ है जल्द से जल्द लाके हमको दिखाइए, दैट्स इट। ओए उसकी, ओए ऐसी शक्ल लेके जाएगी बार ना, ऐसी शक्ल लेके मत जाना वरना ऑडियंसेस को लगेगा भूत आ गया है। ओए पर जस्सी पागल है तू, पर रो क्यों रही है? ओए एक दिन तेरी तेरे वीरे से बात क्या नहीं हुई, तू तो मेरा यूमर ही भूल गई है। चल रोते नहीं है पागल, आजा तेरा नाम अनाउंस हो रहा, चल परफॉर्म करेंगे आजा। नहीं वीरे, मेरा परफॉर्मेंस मम्मा जी के साथ है और अब मिल भी जाएगी ना तो लेट हो जाएगा, मेरा परफॉर्मेंस का टाइम ही निकल जाना है। वीरे पहली बार
बिना परफॉर्मेंस दिए आउट हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तू अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर, मैं लेकर आता हूँ मम्मा जी को। जोगी द प्रॉमिस। वीरे क्या हो, देखो। ओ, कुछ नहीं, डांस कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया मेरा। आए आ रहा हूँ, ठीक है। कितना चला गया ये आदित्य का बच्चा है? अगर आज नहीं मिला ना तो फिर से गजब ही हो जाना है। करो मम्मा जी, आप कहाँ छुपा छुपी खेल रहे हो? जस्सी का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, जाओ वहाँ पर। मालूम है बच्चे, वो कह रही है ना, वो कह रही ने मेरे को बताया कि आदित्य वो तेरी और प्रिया की सीढ़ी सबको दिखाने वाला है। क्या? ये आदित्य का बच्चा ना बाज नहीं आएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ना आदित्य मिला ना वो सीढ़ी मिल रही है। उस रिया की परफॉर्मेंस के बीच में कहीं उसने वो सीढ़ी चला दी ना तो फिर से ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये तो और ऊपर से उस प्रोजेक्टर रूम में मैं सीढ़ी ढूंढने चली गई तो प्रिंसिपल सर जी नाराज हो गए और कहने लगे कि जस्सी और जोगी दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्यों? अरे क्योंकि काम में इंटरफेयर किया था मैंने उनके, तो खराब हो गया था मैं। ओ मम्मा जी आप भी ना। अच्छा छोड़ो, अभी आप जाके जस्सी की परफॉर्मेंस को संभालो, मैं देखता हूँ ये आदित्य और उसके दोस्त क्या कांड कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं जा सकती, बिचारी रिया। बिचारी रिया को छोड़ो, आप इस टाइम पे जस्सी को संभालो, बिचारी रिया को मैं संभाल लूंगा। नहीं रिया भी मेरी बेटी ही है, एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को नहीं छोड़ सकती मैं। रब जी आज दोनों तरफ से इम्तिहान ले रहे हैं, एक तरफ मेरी जस्सी के सामने तो दूसरी तरफ रिया और मेरी जोगी की इज्जत है। ये घर में है, जस्सी ने तो शायद फिर भी मेरे बिना मैनेज कर लेना है, पर अगर वो वीडियो आदित्य ने सबको दिखा दिया तो फिर। नहीं मम्मा जी आप सही कह रहे हो, एक काम करते हैं आदित्य और उसके दोस्तों को जाके पकड़ते हैं। लेकिन मम्मा जी जस्सी की परफॉर्मेंस। जसविंदर खुराना प्लीज बी ऑन स्टेज, और उसके बाद है रिया का परफॉर्मेंस। पता नहीं कहीं नहीं मिला। रब जी आप ही कुछ कर दो, आप ही कुछ करो रब जी, कोई रास्ता दिखाओ। की करे जोगी? यार कितने अच्छे परफॉर्मेंस है ना, घर पे रिपीट देखेंगे। कम ऑन यार, तेरे को मालूम नहीं है क्या आजकल वाईफाई का जमाना है, घर बैठे बटन दबा के कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग करो और प्रोजेक्शन कहीं और, इसमें क्या है। ओ मम्मा जी एक मिनट, अब मेरे को समझ में आया, ये जो भी कांड हुआ है ना ये स्कूल के वाईफाई से हुआ है, जो आदित्य ने अपने फ़ोन से किया है। इसका मतलब सबूत सीडी में नहीं फ़ोन पे है। अब एक काम करते हैं, वाईफाई नेटवर्क ढूंढते हैं, वहाँ से पता चलेगा ये आदित्य कर क्या रहा है। क्योंकि फिर इंटरनेट ही बंद कर देते हैं ना, फिर से ऑन कर देंगे। चल 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 चलो। Last and final call for Jaswinder Khurana. Please be on the stage. Jaswinder Khurana. कहाँ जा रही हो? Last call, Jassi. मम्मा जी रिया. कभी डांस नहीं किया, लेकिन मैंने इस राउंड के लिए बहुत तैयारियां की थी। मुझे अपने मम्मा जी के साथ डांस करना था, लेकिन पता नहीं कहां चली गई। उस डांस का कोई फायदा ही नहीं।
चल कुड़ी नाच के दिखा। पर आंटी जी आप? आंटी जी नहीं, आज मैं तुम्हारी मम्मा जी हूँ। जी प्रोजेक्टर रूम तो आ गया लेकिन सर्वर बंद है, वाईफाई का नेटवर्क भी डाउन है। जो कांड ये करना चाहता है ना स्कूल के वाईफाई से ही हो सकता है। एक काम करते हैं कहीं और जाके देखते हैं। चलो थैंक्स। अरे माओ को थैंक यू नहीं कहा जाता। माँ अपने बच्चों को मुसीबत में कभी नहीं देख सकती, और मेरी लड़ाई तुमसे नहीं तुम्हारी मम्मा जी से है। मेरे लिए तुम और रिया सेम टू सेम हो। नाउ वेलकमिंग आवर लास्ट कंटेस्टेंट ऑफ टुडेज टैलेंट राउंड, रिया गुप्ता। बच्चे रिया की परफॉर्मेंस शुरू हो जानी है। क्यों हो रहा है? कितने तेरा नेटवर्क बच्चे? वो बच्ची ना गड़बड़ हो जानी है तू। ओ मम्मा जी मिल गया, एक मिनट रुको, मिल गया। ये तो कहीं ऊपर से कनेक्ट हो रहा है। ऊपर क्या है? ओ तेरी याद आया, मम्मा जी हमारे टेरेस पे ना आउट हाउस है, लगता है उसका वाईफाई पकड़ा उसने। आप है ना एक काम करो, आप यहाँ से ऊपर जाओ, मैं वाईफाई की वायर निकाल के दूसरे विंग से आता हूँ। This is my version of modern dance performance art. I hope आप सबको पसंद आए। अब सबको तुम्हारी परफॉर्मेंस और भी पसंद आएगी रिया, जब वो ये वीडियो देखेंगे। वो वाईफाई का वायर तो कहीं मिला ही नहीं। आदित्य कहाँ है? तू कह रहा था यही होगा ऊपर, तो कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ पर है।
आज के जमाने के बच्चों की कोई प्रॉब्लम है। हर चीज में दिमाग से ज्यादा बिजली दौड़ती है। नहीं आंटी, हम तो बिना बिजली के खेतों में गांव में खेल कूद के बड़े हुए हैं बच्चे, हमें आदत है। नहीं आंटी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ अपना ही काम कर रहा था। और वैसे भी अगर आपको ये लेक्चर ही देना है तो आप जाके अपनी बेटी को दीजिए या फिर अपने इस बेटे को दीजिए। शट अप। हद होती है हर चीज की। सर, आपने बुलाया? जी। ओ, लगता है मिसेस कुराना को मेरी बेटी के खिलाफ कोई नई कहानी मिली है। मिसेस गुप्ता, इन्होंने आपकी बेटी की नहीं बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट की भी इज्जत बचाई है। जी? अगर समय पर ये आदित्य को नहीं पकड़ते तो ना जाने कल ये क्या करता। मिसेस खुराना ने तो आपकी बेटी की इज्जत बचाई है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.